हेलो गाइस, वेलकम टू टेक मिस्टर महादेव चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ सोमी की तरफ से सोमी 12 लाइट 5G मोबाइल लॉन्च हो चुका है। जी हाँ गाइस, बट ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और इंडिया में क्या स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, प्राइस पॉइंट क्या होगा, इसमें आपको क्या बेस्ट देखने के लिए मिलेगा जिसके लिए आप मोबाइल परचेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, गेमिंग के लिए बेटर होने वाला है, डिस्प्ले के लिए बेटर होने वाला है, कैमरे के लिए बेटर होने वाला है, क्या बेटर इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ इस मोबाइल के बारे में। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब बेल आइकन दबा देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो स्टार्ट करते हैं और Xiaomi 12 Lite 5G मोबाइल के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोबाइल के डिजाइन एंड बिल्ड मटेरियल के बारे में, तो इसमें आपको फुल ग्लास देखने के लिए मिल जाएगा, प्लास्टिक का फ्रेम होगा, फ्रेम में आपको फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, बैक से भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। सो डिजाइन बिल्ड मटेरियल में काफी बेस्ट मोबाइल होने वाला है और इसके बैक साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा टॉप लाइट में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा एलईडी फ्लैश लाइट के साथ। डाउन साइड Xiaomi की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलेगी, फ्रंट में आपको सेंटर पंचो डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, चीन बेजल्स आपको ठीक ठाक अच्छे खासे देखने के लिए मिल जाएंगे। डिजाइन बिल्ड मटेरियल में मोबाइल में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा, बैक लुक में आपको टॉप क्लास का लुक देखने के लिए मिल जाएगा इस मोबाइल में। प्लस इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा 7.2 mm इसका थिकनेस होने वाला है, 173 ग्राम इसका वेट होने वाला है। मोबाइल काफी लाइट वेट है, काफी स्लिम मोबाइल होने वाला है। इसमें आपको IP53 की वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग भी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी बात है। ऑल ओवर डिजाइन बिल्ड मटेरियल इसका सॉलिड आपको मिल जाता है। सो इसके कलर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा ब्लैक और लाइट पिंक देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें आपको और एक कलर देखने के लिए मिल जाएगा, तीन कलर वेरियंट के साथ आ रहा है। सो डिजाइन बिल्ड मटेरियल में मोबाइल आपको टॉप क्लास का देखने के लिए मिल जाएगा, गुड लुकिंग फोन है और इसमें आपको काफी बेस्ट लुक प्रोवाइड कराता है। सो गाइस, इसके डिस्प्ले की तरफ आते हैं, यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा 6.5 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला 12 बीट का एमोलेड पैनल देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ गाइस, 12 बीट का एमोलेड पैनल देखने के लिए मिलेगा। इसका इंपॉर्टेंट क्या, थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिसमें आपको 8 बीट में देखने के लिए मिलता है 16 मिलियन कलर देखने के लिए मिलता है, 10 बीट में आपको 1 मिलियन कलर देखने के लिए मिलता है, 12 बीट में आपको 68 मिलियन कलर देखने के लिए मिलता है। जी हाँ गाइस, आपको इसमें कलरिंग के लिए मोबाइल काफी लेटेस्ट एंड न्यू, काफी तगड़ा आपको यहाँ कलरिंग प्रोवाइड कराएगा। सो कलर वाइज मोबाइल को डेफिनेटली ले सकते हो, जिसमें आपको जितने भी कलर देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट लेवल की आपको यहाँ कलरिंग देखने के लिए मिलेंगे। डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के लिए सुपर से ऊपर होने वाला है। सो इसमें आपको 20:9 एक्सपेक्ट रेशो देखने के लिए मिलेगा, 405 PPI पिक्सल डेंसिटी देखने के लिए मिल जाएगी, वाइड 1L1 का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, HDR10+ का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। सो कंटेंट वॉचिंग के लिए मोबाइल इससे तगड़ा आपको मोबाइल देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो इसकी प्राइसिंग आपको एंड में बताऊंगा। इसमें आपको 950 निट्स की ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाती है, इनडोर आउटडोर विजिबिलिटी आपको बेस्ट मिल जाती है। इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेगा, 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने के लिए मिलेगा। सो डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के लिए सुपर से ऊपर है, गेमिंग के लिए बेस्ट है और इसमें आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसकी परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं, यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 वाला चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा, 6 nm फैब्रिकेशन के साथ आता है, हीटिंग का प्रॉब्लम लैग का प्रॉब्लम बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है, सीपीयू में मिल जाएगा 2.4 GHz पीक क्लॉक स्पीड के साथ आएगा, कॉरियो 670 वाले कोड देखने के लिए मिल जाएगा, जीपीयू में एडिनो 642L जीपीयू देखने के लिए मिल जाता है, जीपीयू सीपीयू आपको इसका बेस्ट मिल जाता है, LPDDR4X रैम देखने के लिए मिलेगा, UFS 2.2 का सपोर्ट है, चिपसेट गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग रेंडरिंग के लिए, इमेज एडिटिंग के लिए काफी बेस्ट है। सो इसमें आपको चिपसेट में कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो इसके कैमरे की तरफ आते हैं, इसमें आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, 108 MP का प्राइमरी कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का माइक्रो। सो इसके प्राइमरी में लेंस में आपको देखने के लिए मिलेगा सैमसंग का HEM2 वाला सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफी आपको तगड़ा सेंसर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, जायरो में आपको EIS का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, काफी स्टेबल आपको वीडियो रिकॉर्डिंग इस मोबाइल का देखने के लिए मिलेगा। सो कैमरा सेटअप के लिए, इमेज कैप्चरिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग बनाने के लिए काफी बेस्ट मोबाइल होने वाला है। सो इसकी में आपको 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिलेगा, फ्रंट में आपको 32 MP देखने के लिए मिलेगा, फ्रंट से आपको 1080 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सो कैमरा सेटअप इसका बेस्ट होने वाला है, इमेज कैप्चरिंग वीडियो रिकॉर्डिंग कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो इसके बैटरी की तरफ आते हैं, इसके बैटरी में 4300 mAh की बड़ी बैटरी नहीं, यहाँ आपको छोटी बैटरी देखने के लिए मिलेगी। जी हाँ गाइस, क्योंकि मोबाइल काफी लाइट वेट के साथ काफी स्लिम मोबाइल है, इसमें आपको इसलिए छोटी बैटरी देखने के लिए मिलेगी, इसलिए इसमें आपको 67 वाट का सुपर फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ गाइस, 67 वाट का सुपर फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलेगा, जो एक्सलेंट बात है, लेकिन इसमें आपको 3.5 mm जैक देखने के लिए नहीं मिलता, एक और रीजन। सो ठीक है, नहीं देखने के लिए मिलेगा क्योंकि मोबाइल स्लिम एंड लाइट वेट है, इसलिए इसमें आपको डबल स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिलेगा डॉल्बी एटमॉस के साथ, मल्टीमीडिया का यूज आप डेफिनेटली कर सकते हो इस मोबाइल में, आप कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलता सिवाय इसमें आपको 3.5 mm जैक के। इसके सेंसर्स में आपको ऑन स्क्रीन इसका फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाएगा, फेस लॉक देखने के लिए मिल जाएगा, NFC आयर ब्लास्टर सभी सेंसर भर भर के आप देखने के लिए मिल जाएंगे। प्लस इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने के लिए मिलेगा, एक सिम एक मेमोरी का आप यूज कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। सो इसके सॉफ्टवेयर की बात करते हो, इसमें आपको एंड्रॉइड 12 देखने के लिए मिलेगा, MIUI 13 का सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा,
काफी अच्छा मोबाइल के सारे स्पेसिफिकेशन निकल के आते हैं। सो इसके प्राइसिंग की बात करें और वेरिएंट की बात करें तो आपको तीन वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगा इंडिया में, 6128, 8128, 8256 वाला वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, जो कि अदर कंट्री में ग्लोबली गया है तो आपको देखने के लिए मिलेगा ग्लोबली 32-31,000 में देखने के लिए मिलेगा। ये गाइस 31-32,000 में इस मॉल को कोई परचेस क्यों करेगा चिपसेट के लिए? चिपसेट इसमें आपको बहुत ही डिसेंट देखने के लिए मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। सो ये 30 रेंज में आपको IQ9 देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलते हैं। IQ Neo 6 देखने के लिए मिल जाता है, Poco F4 5G देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ है। सो ऐसे ऐसे मोबाइल आपको देखने के लिए मिलेंगे तो इस मोबाइल की तरफ आप क्यों ही जाओगे। सो इसमें आपको जो चिपसेट देखने के लिए मिलेगा 30 रेंज में इनफ चिपसेट नहीं है, आपको बहुत ही डिसेंट चिपसेट देखने के लिए मिलेगा। सो इसकी प्राइसिंग आपको इंडिया में कहीं ना कहीं 27-28,000 होगी, तो इस मॉल को डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। लेकिन इसका डिस्प्ले आपको सुपर से ऊपर वाला देखने के लिए मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपको 28-29,000 में इंडिया में आएगा। सो 28-20,000 में अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो इस मॉल को डेफिनेटली मत लेना, IQ Neo 6 परचेस कर लेना। अदरवाइज आपको कई सारे Realme GT देखने के लिए मिल जाते हैं, Realme GT 2 देखने के लिए मिल जाता है 30 रेंज में ऑफर्स के साथ। सो उस मॉल की तरफ डेफिनेटली जाना, गेमिंग के लिए इस मॉल को मत लेना। अगर आप नॉर्मल यूजर हो, गेमिंग के लिए नॉर्मल 1-2 घंटे चला लो और इसमें आपको कंटेंट वाचिंग के लिए बेस्ट मोबाइल चाहिए, सो इस मॉल को डेफिनेटली आप परचेस करना। और इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दिया। अब बात करते हैं इसके लॉन्च डेट की, जो कि ये आपको जुलाई चल रहा है, तो जुलाई में इंडिया में आपको देखने के लिए कंफर्म देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये आपको अगस्त के मिड में या अगस्त के स्टार्टिंग में इंडिया में ग्लोबली आ जाएगा। सो इस मोबाइल के बारे में डिटेल आपको निकाल के आपको बता दिया। अब आपको देखना आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से इस मोबाइल को किस लिए लेना चाहिए, किस लिए नहीं लेना चाहिए, मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता दिया। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना, आपको अच्छा लगता है और मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब सपोर्ट कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबके लिए लाते रहते, तो बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।